सोनीपत की गन्नौर विधानसभा से भाजपा विधायक निर्मल रानी ने शुक्रवार को अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर जो लोकसभा चुनाव के दौरान भीतरघात के आरोप लगाए गए थे उनको सिरे से नकारते हुए कहा कि ये सच नहीं है और भाजपा को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी में नहीं जा रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि कुछ एजेंसी ऑडियो वीडियो बनाती है, उनका केवल यही काम है और युवाओं को 2 लीटर पेट्रोल और 500 रुपए के साथ दारू की बोतल देकर गांव में माहौल खराब करने का जो चलन चल रहा है जनता सब जानती है। और ये कभी नहीं हो सकता। और इस तरह के जो आरोप ये लगा रहे हैं ना कि उसकी बात हो गई और वो मिल चुके और वो जा रहे हैं, भाई बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहूंगी और जिसमें दम है ना वो लड़ाई लड़ ले मेरे सामने। वीडियो दे सकते हैं, ये तो ऑडियो है, ऑडियो दे दे किसी की भी आवाज में किसी की भी ऑडियो बनवाओ, वीडियो बनवाओ, या तो एक एजेंसी ने काम शुरू कर रखा है और वो एजेंसी जो है ना यही काम करते है, उस एजेंसी का और कोई काम नहीं है कभी दे रखे। लेकिन हमने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया, बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म्स, नमस्ते, मिलना जुलना। और इस तरह की जो ये हुड़दंगबाजी जो चल रही है ना, जो गांव हर गांव में 10-10, 20-20 बच्चों को 500 रुपए, 2 लीटर मोटरसाइकिल में तेल, एक दारू की बोतल शाम, इस तरह युवाओं को जो खराब करने का चलन चल रहा है, इससे ये गन्नौर की जनता जाग चुकी है। इस गन्नौर की जनता को पता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये आरोप लगाया जा रहा है तो इस तरह के आरोपों से तो मैं डरती नहीं। मैंने जो किया है पार्टी के लिए किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है और ये मोदी जी का चुनाव था इसलिए मैंने ये किया। और कहते हैं जिसकी नीति और गति सही हो तो उनका तो जो है ना आज भी रथ जो है ना भगवान श्री कृष्ण चलाते हैं। मेरे अंदर जो है ना, मेरे को सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति विशेष से लेने की जरूरत नहीं है और जो जैसा करेगा उसको यहीं पर परिणाम मिलेगा। न कोई किसी के बदनाम करने से बदनाम होगा और ना कोई किसी को जो है प्रशंसा पत्र देने से प्रशंसा पत्र मिलेगा। मेरा प्रशंसा पत्र मेरा खुद लिखती हूँ, मेरे को किसी से जरूरत नहीं है। और पूछो ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।